हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सड्डा में आपका स्वागत है। मैं फयाद रजवी आपके लिए लेके आया हूँ अर्थमेटिक मैथ्स। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि मैं आपको इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ कराऊंगा, और मैंने आपको बताया था कि मोस्टली टीचर क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर एक पकड़ेंगे, उसके एक दो क्वेश्चन जिनकी शॉर्ट ट्रिक आपकी आसानी से बन सकती है, वही शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन कराएंगे और कहेंगे ये बहुत एंटिक मेथड है और ये है वो है, तमाम तरकीब बातें। मैंने देखा कि उन मेथड से आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैंने अपना जो चैनल बनाया है मैथ्स अड्डा, मैं कोई इसमें एकदम कोई एक या दो क्वेश्चन नहीं डालूंगा। मैंने आपको बताया था कि मैं एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन शुरू करूँगा और मैं एडवांस लेवल तक जाऊँगा। चाहे आप रेलवे, पुलिस, सीटेट, एसटेट या किसी भी कंपटीशन, एसएससी, सीजीएल, 10+2, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हों, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, ताकि आपका मेरा मैथ हर एक एग्ज़ाम में आपके कारगर होगा। मींस मैं बेसिक टू एडवांस लेवल आपको पढ़ाऊंगा और एकदम बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन से लेकर के मैं सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चनों पर जाऊँगा। और अगर आप मेरे चैनल की सारी वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कम्प्लीट मैथ्स पढ़ाऊँगा, आपको कोचिंग जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मैथ्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक आता है आपका परसेंटेज, प्रतिशत, और दूसरा आता है रेशियो। क्योंकि पूरे के पूरे अर्थमेटिक में केवल दो ही बातों का रोल होता है, आपका परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों आज मैं शुरू करता हूँ परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर जब मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं शुरू करूँगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ऐसे ही रेशियो प्रोपोर्शन, इसके आगे मिक्सचर एलिगेशन, और ऐसे ही हमारा टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ते रहेंगे। थैंक्स। अब मैं शुरू करता हूँ आपका एक अपना चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर जिसको दुनिया कहती है प्रतिशत, जिसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं परसेंटेज। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है। प्रति माने एक, शत माने सौ। जो चीज़ 100 पे निकाली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये जानेंगे कि प्रतिशत ये कैसे बना, तो हम देखेंगे प्रति माने एक, शत माने 100। जो चीज़ किसी 100 पे निकाली जाए वो कहलाता है प्रतिशत। और प्रतिशत में दो बातों का आपको ध्यान रखना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन इन्हीं दो बातों पर टूटेंगे कि अगर कहीं भी अगर आपको प्रतिशत लगा मिल जाए, प्रतिशत लिखा मिल जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा फ्रैक्शन। क्या बनेगा, फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। आगे देखिए, और जैसे अगर कहीं हमें फ्रैक्शन अगर कहीं लिखा मिल जाए तो इसमें अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका बन जाएगा प्रतिशत। मींस हमने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे कि जहाँ जहाँ हमें प्रतिशत मिलेगा वहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा फ्रैक्शन, और जहाँ जहाँ फ्रैक्शन मिलेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा प्रतिशत, परसेंटेज। और दोस्तों परसेंटेज चैप्टर को आसान बनाने के लिए हम परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे और फ्रैक्शन वैल्यू से ही हमारा सारा चैप्टर टूटेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ, जैसे हम बात करते हैं एक छोटी सी टेबल की, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं जिन वैल्यूज़ को आपको माइंड में होगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी टूट जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ, आप लोग कहते हैं सर 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%। आप मेरे साथ साथ इसको नोट करते चलिए, 1/3 की वैल्यू 33%। बच्चों 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, और 1/6 की वैल्यू 16√2/3%, 1/7 की वैल्यू 14√2/7%, 1/8 की वैल्यू 12√1/2%, 1/9 की वैल्यू 11√1/9%, 1/10 की वैल्यू 10%, 1/11 की वैल्यू
9 होल नंबर 1/9% एंड 1/12 की वैल्यू 8 होल नंबर 1/3%, 1/14 की वैल्यू 7 होल नंबर 1/7% एंड 1/15 की वैल्यू 16 होल नंबर 2/3% एंड 1/16 की वैल्यू 6 होल नंबर 1/4%, 3/8 की वैल्यू 37 होल नंबर 1/2% एंड 4/7 की वैल्यू 57 होल नंबर 1/7%। वैसे तो बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं, अब इतनी वैल्यू आप कहाँ तक याद रखेंगे, लेकिन जनरली जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो यही फ्रैक्शन वैल्यू हैं। इन फ्रैक्शन वैल्यू का को प्रैक्टिस करते करते इनको लेके आना है। अगर आप देखेंगे ये आया कैसे, कैसे नहीं आया, तो आइए हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी इस पर डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे, एक बार देखेंगे, एक बार इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आप एक बार देखिए, मैंने देखा जैसे मान लीजिए 50% है, 50% है, तो आपने बोला जहाँ जहाँ प्रतिशत होगा हम 100 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 50 को हमने 100 से डिवाइड किया तो 50 ones 50, 52 ones 100 कितना आ गया, 1/2 आ गया। ऐसी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया 20%, तो आपने देखा 20 है, जहाँ जहाँ परसेंटेज है 100 से डिवाइड कर देंगे तो 20 ones 20, 25 ones 100 1/5। मान लीजिए आपका आता है 16 होल नंबर 2/3%, 16 सही 2/3%, तो आप देखेंगे 16 3 48 और 2 50 upon 3। और आप बता चुके हैं जहाँ जहाँ प्रतिशत आएगा, प्रति माने 1 शत माने 100, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, 50 एकम 50, 50 दुना 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1/6। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और लेते हैं हम, 12 सही 1/2% है, तो आपने देखा 12 दुना 24 और 1 25, बच्चे बटे में 2, जहाँ जहाँ प्रतिशत है आप 100 से डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये कितना आएगा, 1/8 आ गया। तो ऐसे जब तक हमें फ्रैक्शन वैल्यू आपको ये सारी याद हो जाएंगी, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत इजी हो जाएगा। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 11 होल नंबर 1/9%, तो मैं कहता हूँ 11 9 ज़ा 99 और 1 कितना आ गया, 100 आ गया, अपॉन में 9 आ गया, जहाँ जहाँ प्रतिशत है आप 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, 1/9। तो ऐसे सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी कि जहाँ जहाँ आप परसेंटेज देखेंगे आप 100 से डिवाइड कर देंगे, आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएंगी। तो इन फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा, एक बात और प्रॉब्लम ये आती है, जैसे जब जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जब जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप लोग क्वेश्चनों को ऐसे नहीं करेंगे। हम क्वेश्चनों कैसे करेंगे, जनरली जो हमारे एग्ज़ाम में टेबल यूज़ होती है, जनरली हम उस टेबल को, सारे की सारी टेबल को हम ऐसी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, आपने देखा 50% जितना लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, 100 में भाग करिए, 50 दुना 100, 52 ज़ा 100 कितने बार, 2 बार, तो 1/2 लिख दीजिए। यहाँ देखो 33 है, 100 में डिवाइड करिए, 100 से ज़्यादा ना हो, 100 के अंडर ही रहे, 33 3 ज़ा 99, तो 1/3 रखिए। आपने देखा 25 है, 25 को 100 में डिवाइड कीजिए, 25 4 ज़ा 100, तो 1/4 आ गया, 25 ज़ा 100, तो 1/5 आ गया। आपने देखा यहाँ पे 16 है, तो 16 को आप 100 में डिवाइड करिए, तो 16 6 96, 16 7 112 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 16 6 96 6 बार, तो 1/6 आंसर आ गया। ऐसी देखेंगे 14 7 98, 14 8 112 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार जा रहा है, तो 1/7 आ गया। यहाँ देखेंगे 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108, 108 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आ गया, 12 8 ज़ा 96, 1/8 आ गया। सेम हेयर 11 9 ज़ा 99, 10 10 ज़ा 100, 9 11 ज़ा
99, ऐसे ही इनको हम याद कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के सारे आपकी वैल्यू आपको ऐसे ही आ जाएंगी, सिर्फ इसको छोड़ के। इसको आप माइंड में रख लेना कि 1/15 की वैल्यू होती है 6 से ही 2/3। आपने देखा कि 6 से भाग किया 16 को, 16 × 96, 17 × 102 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 × 96 1/16। आपने देखा 7 से ही 1/7 है, आपने 7 से भाग किया 100 में, 14 × 7 = 98, तो 1/40। इस तरीके से हमारी टेबल, उम्मीद करता हूँ आपको टेबल में प्रैक्टिस में आ गई होगी। अभी मैं आपको 1-2 वैल्यू और प्रैक्टिस कराता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं उसके बाद ही क्वेश्चनों की बात करूँगा, क्योंकि जब तक आपको छोटी छोटी बातें प्रैक्टिस में नहीं आएंगी, आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे है क्या कि सारा का सारा खेल इन्हीं का खेल है, अगर ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई तो समझो सारा एग्ज़ाम आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला 16 सही 2/3%, बच्चे मैंने बोला इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो तुरंत आप करेंगे। एक बच्चा तो ऐसे करेगा कि 16 × 3 = 48 और 2 50 आ गया, अपॉन में 3 आ गया, जहाँ जहाँ प्रतिशत है 100 से भाग कर लेगा, तो 50 × 50 = 52 बोलेगा 1/6। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ 1 से लेके 16 तक की जितनी भी टेबल्स हैं, 6 से ही 2/3 छोड़ के बाकी सारी की सारी आप यहाँ पे क्या करेंगे, 16 से 100 में भाग किया, 16 × 96 कितने बार, 6 बार, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 1/6। बच्चे मैंने आपको बोला 12 से ही 1/2%, तुरंत आपने देखा 12 1/2 है, आपने 12 को डिवाइड किया, 12 × 96, 12 × 108, तो 8 बार जा रहा है बच्चे, 100 के अंडर अंडर रहना है, 100 से बाहर नहीं जाना है, 12 × 96, 12 × 108 ज़्यादा हो जाएगा, तो बच्चे कितने बार, 8 बार, 1/8। बच्चे मैंने बोला 14 सही 2/7%, क्या करेंगे आप, 14 से भाग किया 100 में, तो 14 × 7 = 98, तो कितना आ जाएगा ये 1/7 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। चलिए हम छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चनों की बात करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि मैं एकदम बेसिक लेवल से शुरू करूँगा, नर्सरी क्लास से शुरू करूँगा और मैं एडवांस लेवल तक पहुँचूँगा। जैसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या में, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो संख्या 2100 हो जाती है, 2100 हो जाती है, संख्या क्या होगी। बच्चों इंग्लिश में बोल देता हूँ, इफ 16 whole number 2/3% एडेड टू आ नंबर, द नंबर बिकम्स 2100, फाइंड द नंबर। क्लियर है? तो बच्चों हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है। तो बच्चे मैंने क्वेश्चन देखा 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/6। आपने 16 को 100 में भाग किया, 16 × 96, 1/6। 6 में हमने 1 जोड़ा तो संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। बच्चे संख्या 7 नहीं हुई है, कितनी हुई हमारी, 2100। 7 = 2100, तो 1 = 300, तो बच्चे हमारी संख्या कितनी है, संख्या हमारी 6 है, तो 6 = 300 × 6, इसी को दुनिया 1800 के नाम से जानती है। क्लियर है ना, कहीं भी कोई डाउट, उम्मीद है आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। बच्चे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा,
एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए वन मोर क्वेश्चन, मान लीजिए जैसे हमसे कहता है कभी जोड़ने की बात करेगा तो कभी घटाने की भी बात करेगा, कुछ भी बोल देगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहता है किसी संख्या में उस संख्या का 12.5% घटाया जाता है, 12.5% घटाया जाता है तो संख्या, कुछ भी बोल देगा, क्या फ़र्क पड़ता है, 2800 हो जाती है, संख्या क्या होगी। बच्चे मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करता हूँ कि 12 होल नंबर 1/2% सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, द नंबर बिकम्स 2800, फाइंड द नंबर। तो बच्चे मैंने देखा 12 होल नंबर 1/2% किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया गया, तो सबसे पहली बात है बच्चे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप सीख चुके हैं 12.5% है, 12 को 100 में भाग करेंगे, 12 × 96, 1/8 होगी। बच्चे संख्या 8 है, 1 घटाया गया तो कितनी हो गई, 7। तो बच्चे संख्या 7 नहीं है, कितनी है ये, 2800। 7 = 2800 तो 1 = 400। तो बच्चे संख्या कितनी है, तो 8 = तो बच्चे 400 × 8, इसी को दुनिया 3200 के नाम से जानती है। क्लियर। और बच्चे एक बात और भी है, अभी तो बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, आप पेन का यूज़ करेंगे वरना तो आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने बोला 12.5% घटाया गया, तुरंत सोचेंगे 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8। तुरंत देखेंगे 8 में से 1 घटाया कितना बचा, 7। 7 = 2800, 1 = 400, तो नंबर था 8, तो 8 = 3200। थिंक विदाउट इंक। बच्चे एक बात और आप एक बात का ध्यान रखना, अभी तो मेरी पहली वीडियो है, आगे की वीडियोज में देखेंगे मैं बड़े बड़े क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको बिना पेन के कराऊंगा, क्योंकि मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है थिंक विदाउट इंक, बिना पेन के क्वेश्चनों को सॉल्व करो और सिलेक्शन ले लो। आइए हम लोग बच्चे आगे चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या में, मान लीजिए 40 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है वो संख्या, वो संख्या स्वयं की 112% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। आपने देखा हमारा क्वेश्चन था यदि किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है तो संख्या खुद की 112% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ 40 एडेड टू अ नंबर द नंबर बिकम्स 112.5% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। तो बच्चे इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका, बच्चे इस लाइन का मीनिंग क्या है इसको आप समझिए। ये कहता है मान लीजिए मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मेरी आमदनी 20% बढ़ गई, तो बच्चे कितनी हो गई, 120%। तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ कि मेरी आमदनी 120 हो गई या मेरी आमदनी 20 बढ़ गई। तो सेम हेयर मैं इस क्वेश्चन में कह सकता हूँ कि या तो संख्या 112% हो गई या संख्या 12.5% क्या हो गई, बढ़ गई। जो 100 थी 112% हो गई, तो बड़ी कितनी, 12.5% बढ़ गई। और बच्चे 12.5% की वैल्यू क्या होगी, 1/8। तो सोचो संख्या एक थी, कितना जोड़ा गया, एक। बच्चे एक नहीं जोड़ा है तो कितना जोड़ा है हमने, 40।
तो एक बराबर 40, तो बच्चे संख्या 8 है, 8 बराबर 40 इंटू 8 320। क्लियर है ना? दोबारा देखिए, मैंने बोला किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है, वो संख्या खुद की 112% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो बच्चे 112% हो रही है, तो बढ़ कितनी रही है? 12.5 बढ़ रही है, और इस 12.5 की वैल्यू 1/8। और बच्चे संख्या 8 है, कितना बड़ा? एक नहीं बड़ा है, कितना बड़ा है? 40। एक बराबर 40, तो 8 बराबर 40 इंटू 8 320। क्लियर है ना? ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं बच्चे एक और क्वेश्चन की तरफ। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते रहिएगा, और एक भरोसा रखिएगा, कम से कम एक चैप्टर पूरा पढ़ के देखना, पता लगेगा आपको कि मैं कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे टाइप कराता हूँ या सारे टाइप नहीं कराता हूँ। बच्चे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए हम क्वेश्चन बोलते हैं कि एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेंगे, बहुत आसान आसान आज मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, इसमें कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ मैं आज। एक लड़के से एक संख्या को पांच बटा चार से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने चार बटा पांच से गुणा कर दिया। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? बच्चे मैंने क्वेश्चन बोला कि एक लड़के से एक संख्या को 5/4 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने 4/5 से गुणा कर लिया, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, कितने प्रतिशत की कमी होगी या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसी को हम देखेंगे क्वेश्चन को, कि बच्चे देखिए बहुत सारे तरीके हैं। कहता है 5/4 से गुणा करने को कहा गया, सही वाला ये था, बच्चे ने गलती से 4/5 से गुणा कर दिया। कुछ टीचर कहते हैं माना संख्या x है, x नहीं मानेंगे। कुछ स्मार्ट टीचर कहते हैं माना नंबर 100 है, तो बच्चे हम 100 भी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ तो इत्तेफाक है कि 100 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, इजीली कट रहा है। लेकिन बच्चे कभी कभी आपकी प्रॉब्लम ये आएगी कि अपॉन में 3 होगा, अपॉन में 7 होगा, जो 100 से नहीं कटेगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तब बच्चे आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर हम नंबर क्या माने, कौन सा नंबर माने, कैसे करें? तो बच्चे याद रखना, यहाँ देखो डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, यहाँ देखो कितना है, 5 है। तो 4 और 5 से कटने वाला कोई नंबर सोचो, तो आप क्या बोलेंगे? नंबर होता है 20, 20 होता है। तो हमेशा आप नंबर 20 मान लेना, कितना मान लेना? 20 मान लेना। जब आप नंबर 20 मानेंगे, तो आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, और आपने इसको भी 20 से मल्टीप्लाई किया। और जब बच्चे आप इस नंबर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 20, 5 × 25, और बच्चे 5 × 20, 4 × 16, हमारा राजस्व होना चाहिए था 25 रुपये का, और बच्चे कितने का हो गया? 16 का हो गया। कमी आई ना, 25 रुपये होना चाहिए था, हुआ कितना? 16। कमी आई कितने की? 9 की कमी। किस पे? बच्चे 25 पे। तो भैया 100 पे कितने का? 25 से कम 25, 25 × 100, 9 × 36% की उसके राजस्व में क्या आएगी? कमी आएगी। और बच्चे आप सारा एरो से पढ़ेंगे, अगर एरो ऊपर है तो प्लस, एरो ऊपर है तो बढ़ेगा, एरो नीचे है तो
घटेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चे आप क्या करेंगे कि हमेशा डिनोमिनेटर से कटने वाला नंबर सोचेंगे। 20 होता है, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई, 5 चौका 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 25 था हो गया 16, कितनी कमी, 9 की कमी, किस पे, 25 पे, तो बच्चे 100 पे कितनी कमी, 36% हमारा आंसर आ गया। बच्चे एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा और ये साथ साथ नोट करते चलिए, एक बढ़िया कॉपी बनाते चलिए आप लोग। इससे क्या होगा कि सारी की सारी टॉपिक आपकी कोचिंग की तरह सारे सारे टॉपिक आपके कंप्लीट होते चलेंगे। बच्चे वन मोर क्वेश्चन, अब मैं बात करता हूँ एक और क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है पूछा गया है एग्ज़ाम में और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक तरीका बताऊँगा, मैं आपको एक मेथड बताऊँगा। जैसे बच्चे क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या कुछ भी दे देगा, क्या फर्क पड़ता है। कहेगा एक शहर की जनसंख्या 189,000 है, जिनमें से 4/9 पुरुष हैं, मेल हैं, 50% पुरुष मैरिड हैं, विवाहित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुल विवाहित 1% क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कुल महिला विवाहित 1% क्या होगा। अब बच्चे इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है, अगर आप स्मार्ट हैं तो बच्चे क्वेश्चन आपका 2 लाइन में टूट जाएगा, अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो क्वेश्चन के लिए आप पूरा बोर्ड भर देंगे। क्लियर है ना। तो बच्चे देखिए आप क्या करेंगे क्वेश्चन को। बच्चे अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो आप 189,000 का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन पूरा बोर्ड भर जाएगा, तब आपका आंसर आएगा। और अगर आप स्मार्ट हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। तो बच्चे मैंने कहा दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं बच्चे, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। मैंने क्वेश्चन बोला कि 189,000 जनसंख्या है जिनमें से 4/9 मेल हैं। बच्चे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मान लो हमारे शहर में 9 लोग रहते हैं, कितने लोग, 9 लोग, शहर में 9 लोग रहते हैं तो मेल कितने हैं, 4। तो बच्चे 9 में से 4 मेल हैं तो फीमेल कितने आ गए, 5। बच्चे 4 मेल तो फीमेल कितने, 5। आपने देखा बच्चे कि 50% मेल मैरिड हैं, 50% बोले तो 1/2, 4 का 1/2 कितने मेल मैरिड आ गए, 2। और आप एक बात तो जानते होंगे कि भैया एक पुरुष की शादी एक महिला से होती है, एक मेल की शादी एक फीमेल से होती है, तो अगर 2 मेल मैरिड हैं तो ये कॉमन सी बात है कि 2 फीमेल भी मैरिड होंगी। भाई सिंपल सी बात है कि 2 मेल अगर दुखी हैं 2 फीमेल भी बेचारे दुखी होंगे। तो बच्चे आप देखेंगे कितने लोग दुखी हैं, 2 और 2 4। बच्चे 4 लोग मैरिड हैं तो हमने देखा कितने में से, 4 और 5 9 में से, 4 लोग मैरिड हैं 9 में से, तो बच्चे 100 पे कितना, क्यों, प्रतिशत, प्रति माने 1 शत माने 100। बच्चे जो लोग स्मार्ट नहीं हैं वो 100 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और 9 से इसको भाग करेंगे। लेकिन जो लोग स्मार्ट हैं तो वो लोग देखेंगे कि 1/9 की मैंने वैल्यू बताई थी, 11 होल नंबर 1/9%,
तो 4 by 9 की मल्टीप्लाई, 4 by 9 की वैल्यू, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 ज़ा 44, 1 4 ज़ा 4, 44 होल नंबर 4 upon 9%। बात क्लियर हो गई। 1 by 9 की वैल्यू ये है, तो 4 by 9 की वैल्यू यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 44, 1 में 4 से मल्टीप्लाई 4 और 9%। इसका मतलब क्या है कि पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर ये आ गया कि कुल 44 सही 4/9% लोग कैसे हैं, मैरिड हैं। अब बच्चे आता है क्वेश्चन नंबर 2, कितने फीमेल मैरिड हैं, 2। अब बात करेगा बच्चे फीमेल की, तो हमने देखा कितने फीमेल मैरिड हैं, 2। किस पे, तो बच्चे 5 पे, तो 100 पे कितना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 20 दूना कितना परसेंट आ गया, 40%। टोटल पॉपुलेशन पूछे तो 44 होल नंबर 4 upon 9%, और ओनली फीमेल पूछे कितना, 40%। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट्स नहीं? किसी को कोई डाउट्स हो तो उस पर मेरे कमेंट पे लिख देना, मैं उन क्वेश्चनों को दोबारा डाल दूँगा। अच्छा बच्चे, एक क्वेश्चन और भी आता है हमारे पास, एक क्वेश्चन और आता है इसी का, एक क्वेश्चन और आता है, उनको हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, एक बार देखिए, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो जनरली टीचर कराते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको कुछ टीचर्स कहते हैं ये क्वेश्चन गलत है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अलग अलग तरीके के टीचर्स का अलग अलग व्यू है। हम एक बार उस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। बच्चे एक क्वेश्चन कहता है, एक शहर में 45% पुरुष तथा 25% महिलाएं विवाहित हैं। एक शहर में 45% पुरुष तथा 25% महिलाएं विवाहित हैं। कुल विवाहित जनसंख्या प्रतिशत क्या होगा? बच्चे देखिए, मैंने बोला इफ 45% मेल एंड 25% फीमेल मैरिड इन अ सिटी, फाइंड द टोटल मैरिड पॉपुलेशन परसेंटेज। तो बच्चे एक बात देखिए, क्वेश्चन कहता है कि शहर में जितने भी मेल हैं उन मेल का कितना मैरिड है बच्चे, 45%। शहर में जितने भी फीमेल हैं उन फीमेल का कितना मैरिड है बच्चे, 25%। अच्छा एक बात तो आप लोग बचपन से जानते होंगे कि एक मेल की शादी एक फीमेल से होती है। जब एक मेल की शादी एक फीमेल से होगी तो जितने नंबर ऑफ मेल मैरिड होंगे उतने ही नंबर ऑफ फीमेल मैरिड होंगे। इट मींस 45% ऑफ मेल इज इक्वल टू 25% ऑफ फीमेल। इसका मतलब मेल का 45% फीमेल के 25% के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45। बच्चे ये आ गए हमारे मेल और ये आ गए हमारे फीमेल। फाइव अपॉन नाइन, हमने देखा हमारे शहर में 5 मेल हैं तो फीमेल कितने हैं, 9 हैं। कोई डाउट नहीं? तो बच्चे देखिए हमने क्या किया, ये लिखा मेल और ये लिखा फीमेल। बच्चे मेल कितने हैं, 5, फीमेल कितने हैं, 9। अब देखो आपने देखा कितना मैरिड है मेल, 45%, कितना फीमेल मैरिड है, 25%। बच्चे 5 का 45% निकालेंगे आंसर पॉइंटों में आएगा, और बच्चे जब जब आंसर पॉइंटों में आएगा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। जब कैलकुलेशन टफ हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ा लीजिए, तो देखेंगे 100 पे 45 लोग मैरिड हैं
तो 500 पे कितना 225 100 पे 25 लोग मैरिड हैं तो 900 पे कितना बच्चे 225 बच्चे देखें 225 मेल मैरिड 225 फीमेल मैरिड तो कुल मिला के कितने मैरिड हैं 450 तो बच्चे कितने पे 450 मैरिड हैं कितने पे 1400 पे तो बच्चे 100 पे कितना 20 से 20 कैंसिल 2 से कैंसिल आउट करेंगे 7 और 225 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होल नंबर 1/7% लोग क्या आएंगे मैरिड आएंगे। आपने बच्चे एक बात देखी इस क्वेश्चन को मैंने बहुत सारे टीचर्स को कहते देखा है टीचर्स कहते हैं डेटा कम है कोई कहता है क्वेश्चन गलत है क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है आप खुद कॉन्सेप्ट देखिए क्वेश्चन बोला मेल का 45% फीमेल का 25% मैरिड है इसका मतलब क्या है भैया एक मेल की शादी एक फीमेल से तो जितने नंबर ऑफ मेल मैरिड होंगे उतने नंबर ऑफ फीमेल मैरिड होंगे तो आपने देखा मेल का 45% फीमेल का 25% मेल अपॉन फीमेल 5/9 मेल 5 हैं फीमेल 9 हैं हमने क्या किया रेशियो है ये मेल इतना है फीमेल इतना है तो हमने क्या किया आंसर हमारा पॉइंटों में ना आए दो ज़ीरो यहाँ बढ़ा दिए दो ज़ीरो यहाँ बढ़ा दिए 100 पे 45 मैरिड हैं तो 500 पे 225 225 फीमेल मैरिड हैं कुल मिला कितने मैरिड हैं 450 किस पे 1400 पे तो 100 पे कितने का 32 होल नंबर 1/7% थैंक्स बच्चों थैंक्स। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा थोड़ा सा आपका टाइम बर्बाद हो रहा है मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं अपनी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा बाद में एडिटिंग में कि मैं साइड से आपको प्रिंटेड क्वेश्चन मिले और मैं आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल दूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए समझने में प्रॉब्लम ना आए कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में लिखना मैं इन क्वेश्चनों को दोबारा डाल दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा परसेंटेज का पार्ट वन था पार्ट टू था और दोस्तों एक बात और मैंने आपसे जैसा अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा मैं पर डे एक या दो वीडियो डालूंगा जिससे कि आपका सिलेबस CGL प्री नवंबर तक मैं सारा सिलेबस आपका आसानी से करा सकूं। बच्चे इसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा मेरा चैनल मैंने आपको दोबारा बता दूं कि मैथ्स अड्डा और उसको आप सब्सक्राइब करिए शेयर करिए लाइक करिए अगर इसको वीडियो अच्छा लगे तो आगे वीडियो देखिएगा उनको शेयर करिएगा थैंक यू सो मच।